दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तालिबानियों ने जिस तरह से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, उस स्थिति को देखकर तो हर कोई अफगानिस्तान से छुटकारा पाना चाहता है। और इस बीच अफगानिस्तानी गेंदबाज राशिद खान का परिवार भी इस मुश्किल परिस्थिति में फंस चुका है, जिसके बाद अब राशिद खान का बड़ा ही भावुक बयान सामने आया, जिसको सुनकर शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आखिरकार राशिद खान ने अपने परिवार के साथ बयान में ऐसा क्या कहा, चलिए बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि क्रिकेट के लिहाज से भारत देश को राशिद खान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। अफगानिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, ये शायद हर किसी को पता है। तालिबान के कब्जे के बाद हर कोई अफगानिस्तान छोड़कर भागना चाह रहा है। काबुल एयरपोर्ट में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि लोग तालिबानियों से बचने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान भी अपने परिवार को लेकर काफी चिंतित है। राशिद खान इस वक्त इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और उनका परिवार अफगानिस्तान में फंसा हुआ है, जिसको लेकर राशिद खान काफी ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं। राशिद खान चाहते हैं कि वो जल्द ही अपने परिवार को लेकर वहां से निकलें और किसी सेफ जगह पहुंच जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान में पिछले कुछ समय से हिंसक माहौल बना हुआ है और लगातार लोगों की जान जा रही है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले अफगानिस्तानी क्रिकेटर राशिद खान ने सोशल मीडिया पर शांति की अपील करते हुए ये मांग की थी कि वो शांति चाहते हैं, और अब वो स्थिति आ चुकी है कि लोग अफगानिस्तान में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिकन एयरफोर्स का एक विमान अफगानिस्तान लोगों की मदद के लिए पहुंचा था, लेकिन इस बीच अफगानिस्तान के लोग अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से प्लेन में घुसे कि प्लेन हवा में उड़ने के बाद भी लोग नीचे गिर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए ही अफगानिस्तान की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। राशिद खान ने अपने बयान में कहा कि वो इस समय अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका देश अफगानिस्तान ज्यादा हिंसक माहौल के बीच घिरा हुआ है। प्रतिदिन बेकसूर बच्चे और बेकसूर लोगों की जाने जा रही है, जिसका उन्हें काफी ज्यादा अफसोस है। लेकिन बावजूद इसके, राशिद खान ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कई तस्वीरें डाली हैं और अपने देश के प्रति प्रेम जाहिर करते हुए राशिद खान ने लिखा कि वो आशा करते हैं कि उनके देश में शांति रहे। वो प्रार्थना करते हैं कि उनका देश जल्दी विकास की राह पर आएगा। इंशाल्लाह, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी राशिद खान अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने शांति की अपील की थी, जिसमें उन्होंने दुख जाहिर किया था कि बेकसूर लोगों की प्रतिदिन जाने जा रही हैं और वो चाहते हैं कि उनके देश में शांति बनी रहे। लेकिन दोस्तों, इस मुश्किल परिस्थिति में राशिद खान का परिवार भी अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। हालांकि राशिद खान तो अभी इंग्लैंड में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। वैसे दोस्तों, राशिद खान के परिवार की मौजूदा स्थिति को देखकर आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत को राशिद खान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।